हेलो गाइस, वेलकम टू साहू टीनियल। गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों का जो चैनल है उसमें 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसी तरह का जो सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ गाइस, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए साहू टीनियल चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। गाइस, पहला वाला जो वीडियो है उसे एडिट करने के लिए पहले तो आपको इस तरह का एक वीडियो शूट करना होगा। उसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। तो गाइस, काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको मीडिया पे क्लिक करके आपको शूट किया हुआ जो वीडियो है उसे ले लेना होगा। वीडियो लेने के बाद आपको वीडियो का पहले जाना होगा, उसके बाद आपको वीडियो लेयर पर क्लिक करके साइड में जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक जो कैप्चर है ऑटोमेटिकली निचले लेयर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो कैप्चर है उसे स्लाइड करके लास्ट में लाएंगे और देखेंगे कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर, तो स्लाइड करके यहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। तो इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं और इसका जो इन एनिमेशन है इसे फेड कर देते हैं और इसको 0.5 से थोड़ा आगे रखते हैं। तो उसके बाद हम लोग लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया से एक ग्रीन स्किन वाला स्मोक का जो इफेक्ट है उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसे ठीक से हम लोग काट कर लेते हैं। तो यहां पर काट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग काट कर देते हैं। उसके बाद जो है यहां पर थोड़ा सा काट करना होगा। तो हाँ, यहाँ पर काट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सही जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पर रखना होगा और इसका जो साइज है इसे बढ़ा देते हैं और इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसे क्रोमा की का यूज़ करके हटा देते हैं, इसको ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा काम हो गया, प्ले करके देखते हैं ठीक से बना है या नहीं, देख लेते हैं। तो ठीक है, ठीक से बन गया। तो गाइस, सेकेंड वीडियो एडिट करने के लिए पहले तो आपको इस तरह का एक वीडियो शूट करना होगा। उसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो गाइस, काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको मीडिया से शूट किया हुआ जो वीडियो है उसे ले लेना होगा। वीडियो लेने के बाद आपको लास्ट में आना होगा इस जगह पे। तो यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड लेना होगा, तो लेयर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करके बैकग्राउंड पे जाके कोई भी कलर का एक बैकग्राउंड ले लो। उसके बाद आपको इसका जो कलर है इसे ग्रीन कर देना होगा, ग्रीन या कोई भी कलर। तो उसके बाद इसके इसे रोटेशन करके यहाँ पर लाना होगा और देखना होगा कहाँ तक ये जो बैकग्राउंड है रखना चाहिए। मैं जहाँ तक जम किया था वहाँ तक रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक, तो यहाँ से मैं काट कर देता हूँ बैकग्राउंड को। उसके बाद यहाँ पर की पे क्लिक करके थोड़ा सा स्लाइड करके इसे बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा स्लाइड करना होगा। ये जो प्रोसीजर है आप जानते ही है, पिछले वीडियो में देखा होंगे आप। गाइस, वीडियो तैयार होने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ग
गाइस ये वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर काइनमास्टर पे जाना होगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करके एमटी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे जाके एक कैप्चर लेना होगा जो मैं पहले निकाला था। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फुल स्क्रीन कर देंगे। डबल टच कर देने से आपका जो कैप्चर है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे बड़ा कर दीजिए और लेयर पे जाके मीडिया से अभी जो हम लोग वीडियो एक्सपोर्ट किए थे वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए और इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो फुल स्क्रीन करने के बाद इसका जो क्रोमा की है इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे ठीक से अभी तक ठीक से हुआ है या नहीं। हाँ ये तो ठीक है यहाँ पर। उसके बाद फिर गायब होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को, इस जगह पे हम लोगों को लेयर पे जा क्लिक करके मीडिया पे जाके उसी वीडियो को ले लेना होगा। स्मोकिंग जो स्मोक का जो इफेक्ट है उसको लेना होगा। उसको लेके हम लोग ठीक से इसको कट कर देते हैं। वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट काट कर देने के बाद इसका जो क्रोमा की है इसे इनेबल कर देना होगा। उसके बाद इसको सही से एडजस्ट करना होगा। उसके बाद ये जो स्मोक है सही जगह पे ले जाना होगा। तो यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर रखने के बाद कैजलियर पे जाके मीडिया पे जाके आपको एक कैप्चर लेना होगा। यहाँ नहीं, यहाँ पर एक कैप्चर लेना होगा। कैप्चर लेने के बाद हम लोग यहाँ इसका जो साइज है इसका साइज हम लोग इस तरह का रखेंगे और यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ग्रीन जो स्मोक का जो ग्रीन वीडियो है उसे जा क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे थ्री डॉट पे क्लिक करके फ्रंट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट कर देने के बाद हम लोगों का जो इफेक्ट है तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।